अभी हम लोगों के वृंदावन के पंडा जी और उनके सुपुत्र आए हुए हैं और पंडा और वृंदावन फादर एंड सन बोथ हैव कम देयर फोर फादर्स वेयर पंडाज ऑफ श्री भक्ति विनोद ठाकुर टाइम स्टिल दे आर कमिंग। ये लोग भक्ति विनोद ठाकुर के समय से ही इनके पिताजी के पिताजी और सब लोग हमारे गौड़ीय मठ के पंडे हैं, इसलिए हम लोगों को आने पर पथ प्रदर्शन करते हैं, वृंदावन में दर्शन इत्यादि कराते हैं और हम लोग भी इनको सम्मान देते हैं। वी ऑनर देम। सो टुडे इन बिहाफ ऑफ आवर ऑल यात्रीज डिवोटीज आई एम ऑनरिंग यू। अज्ञातिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय अंगश्यामलिं सदा विरचितो मंदे कृतेन्दीवरम जाटं जागुदरोचि संविदत संपट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं भदिल सद्दामा विरामोदर राधास्क
स्कंध निवेशितोज्जल सुजन ध्यायेन्दा। गुरु गौरांग गंधार्विका राधा विनोद बिहारी जी की कृपा से आज 12 दिन हो गए वृंदावन में, और मथुरा में 5-7 दिन पहले से अब तक निर्विघ्न रूप में और अच्छी तरह से हमारी परिक्रमा चल गई है। कुछ लोगों को सर्दी जुखाम और बुखार हो गया है, उसके लिए भी डॉक्टर हैं, सावधानी से रहना चाहिए जिससे कि न हो। श्री श्री माधुर्य कादंबिनी, कुछ लोग ज्ञान को भक्ति का साधक बतलाते हैं, ज्ञान नहीं होने से भक्ति नहीं होगा। उनके अनुसार में आत्मतत्व और परतत्व का ज्ञान होना जरूरी है। आत्मतत्व और परतत्व का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के बिना वस्तुतः भक्ति में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति के साधन में भले ही दूसरी साधनाओं की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ज्ञान को भक्ति का साधक मानने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कुछ न हो, आत्मतत्व और परमात्मतत्व का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के संबंध में बतला रहे हैं, ज्ञान शब्द से ब्रह्म के 3 अंग माने जाते हैं। तत्पदार्थ का ज्ञान, तन पदार्थ का ज्ञान और ब्रह्म परब्रह्म और जीव के परस्पर संबंध का ज्ञान। तत्पदार्थ का ज्ञान, तत्माने भगवान, परतत्व, परतत्व के स्वरूप भजनीय श्री कृष्ण विषय ज्ञान, परब्रह्म श्री कृष्ण साकार है, सविग्रह तत्व है, सच्चिदानंद मयत्व, उनकी स्वयं भगवत्ता है, नाराकृति परब्रह्मत्व का, अखिल रसामृत सिंधु है, अनंत सौंदर्य माधुर्य के पराकाष्ठा है, उनमें वे बहुत प्रकार की मधुर लीलाओं को करते हैं। कारुण्य भक्त बात्सल्य इत्यादि गुण, इनका धाम, इनका परिकर, इनकी स्वरूप शक्ति, माया शक्ति विषय ज्ञान को तत्पदार्थ का ज्ञान करते हैं। होना जरूरी भी है। तंग पदार्थ का ज्ञान, तंग माने जीव तत्व, जीव विषय ज्ञान, जीव के जीव चित्तकण है, वही उसका जो स्वरूप तत्व है वह तटस्थ शक्ति से उत्पन्न है, विभिन्नांश तत्व है, कृष्ण के नित्य दास है, उनका अणु स्वातंत्र भी है। इन सब ज्ञानों को मिलाकर के तम पदार्थ का ज्ञान, और दोनों के संबंध में ज्ञान, परतत्व श्री कृष्ण प्रभु है, जीव इनका नित्य दास है, कृष्ण विभु है और जीव अणु है, कृष्ण मायाधीश है और जीव माया के वश युक्त है। श्री कृष्ण पाद पद्म की विस्मृति ही जीव को माया का बंधन अथवा शेष दुख का कारण। श्री कृष्ण भजन ही माया मुक्ति और परमानंद का एकमात्र प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। ज्ञान को दोनों के बीच में परस्पर संबंध ज्ञान, कोई कोई ब्रह्म
और जीव के ऐक्य विषय ज्ञान की बात कहते हैं। वे पर ब्रह्म की शक्ति या साकार उनके सविशेष रूप को नहीं स्वीकार करते। उनके विचार से ब्रह्म निर्विशेष है, कोई गुण नहीं है, विशेषता नहीं है, है? और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मशाही मुक्ति जीवों के लिए ही चरम शास्त्र है। ये लोग खुद जीवों को परम ब्रह्म सविशेष पर ब्रह्म श्री कृष्ण राम आदि को माया उपाधि धारी इत्यादि करने के कारण ये भगवत चरणों में अपराधी हैं। विशेष करके जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान भक्ति का विरोधी है, इसलिए सर्वसार त्याज्य है। सत्संग भक्ति साधन का एक मुख्य अंग है। किसी परम स्वतंत्र महापुरुष की कृपा से साधु संघ में उनके मुख से निरंतर विगलित भगवत कथा श्रवण करने से साधकों के हृदय में ये तीनों प्रकार के ज्ञान अपने आप आ जाते हैं। पृथक रूप में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं, पृथक रूप से प्रयास करने से के लिए हमारे जीव गोस्वामी ने भी, सब लोगों ने इसको शास्त्रकारों ने भी मना किया है। श्रीलरूप गोस्वामी कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति मार्ग के अवरोधी होने पर, माने बाधा देने वाले होने पर, अनुकूल होने पर, अविरोधी होने पर भक्ति मार्ग में प्रवेश के लिए थोड़े से उपकारी होते हैं। भक्ति में प्रवेश हो जाए तो फिर ज्ञान वैराग्य की तनिक भी कोई आवश्यकता नहीं, अतएव ज्ञान वैराग्य भक्ति के कदापि अंग नहीं है। महापुरुषों के विचार से भक्ति के में प्रवेश के पश्चात ज्ञान वैराग्य रहने से चित्त कठोर हो जाता है। भक्ति देवी अत्यंत कोमल है, इसलिए कोमल स्वभाव वाली भक्ति भक्ति में प्रवेश का कारण है। भक्त्या संजात्या भक्त्या, ज्ञाने प्रयास मुदपश्य नमन्ते एव जीवनं जीवन्ति सन्मुखारितां भवदीय वर्तान स्थाने स्थिता सुतिगतं तन्मां मुनो प्राय तो अजित जीतो भी। ब्रह्मा जी कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं, हे अजित, जो लोग विश्व में आपके स्वरूप ऐश्वर्य महात्मा आदि ज्ञान के लिए लेश मात्र भी प्रयास नहीं करते, आपके भक्तों को निकट रहकर उनके मुख से विगलित होने से आपके नाम रूप गुण लीला तन मन वचन से सेवन करने से और जो सेवन करते हैं आप प्राय अजीत होने पर भी उन लोगों के भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं इसकी व्याख्या में, ज्ञाने उपास्य परतत्व के ज्ञान के लिए, तम पदार्थ के ज्ञान के लिए भी प्रयास कर मत करो। निर्विशेष ज्ञान है तो ये तो सर्वता उपेक्षणीय है ही है, किंतु भगवान का परतत्व इत्यादि ज्ञान जानने की पृथक रूप से जरूरत नहीं है। संतों के मुख से हरि कथा भगवान की लीला कथाएं होने पर अपने आप इन सब चीजों का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ट्रांसलेट, गुरुवे गौरचंद्राय नारिकाय जलाले कृष्णाय कृष्णवार्ताय दरवार्ताय नमो नमः। So, today is the 12th day of our parikram in Vrindavan, and before that we had 10 days in Mathura also. Except for some slight disturbance from some cold and fever, for which doctor is available, we have had no special problems.
Srima Georgi Kadambini. Some people think, without knowledge, without Gyan, there is no possibility of bhakti. Or some others think that Gyan, attainment of knowledge, is also an anga or a limb of devotion. There was this discussion about this topic. Is this true? Therefore, knowledge of the Atma, the individual jiva, and knowledge of Parasattva Bhagavan is necessary for bhakti. Even though bhakti is independent, still, in the beginning stages, we'll need some foundation of some knowledge. Therefore, Bhagavan, there are three types of jnana that are accepted in relationship to bhakti. That is tat-padatta jnana, tvam-padatta jnana, and the relationship between both. Tat-padatta jnana means that knowledge in relationship to Krishna. In brief, he is Swarat, self, he is self-manifest, self-illuminating and independent. He is Parabrahma, the Supreme Absolute Truth. But at the same time, he is the Akhila Rasamrita Murti, the Supreme Enjoyer of all transcendental mellows. That Sri Krishna is Swayam Bhagavan. He is the topmost limit of both opulence and sweetness. He performs varieties of pastimes in his own abode with his own devotees, his own associates. He is full of transcendental qualities, especially Bhakta Vatsalya, being affectionate to his devotees, and he is endowed with numerous potencies, especially his Swarup Shakti. That is Tat Padat Gyan. Secondly, Tvam Padat Gyan is in relationship to the individual soul, the Jivatma. The Jivatma is Chitkan, a minute transcendental particle. He is Vibhansa Tattva. He is part and parcel, eternally separated from the Lord, despite being non-different from Him. And He is Anuswatantra. The Supreme Lord is completely independent, but the Jivatma also has some independence, but Anuswatantra, very small. And third, what is the relationship between the Supreme Lord Krishna and the individual soul? This is the third type of knowledge. In brief, Krishna is the master, the Jivatma is the servant. Krishna is Vibhu, unlimited, and the Jivatma is Anu, minute. Bhagavan is Mayadish, always beyond the control of Maya, and the Jivatma, forgetting Krishna, can be bound by Maya. Therefore, the service to Krishna is the only relief, the only method for the Jivatma to achieve liberation from Maya. Therefore, the relationship between Bhagavan and the Jiv is called Sambandha Gyan. But there is a fourth type of knowledge which is rejected, which is a falsity, Brahma Atma Oikya Surupa Gyan. That is propounded by the Mayavadis and Advaitavadis, who say that Bhagavan, there is no transcendental qualities in Parabrahma. He is Nirvishesh. They say there is no difference between Jiva and Brahm, but this is completely false. The insignificant Jiv, Atma, how he can be considered to be the same as Bhagavan? This is complete falsity. Such persons who propound such a theory are offenders at the feet of lotus feet of Krishna, and they are also, this idea is completely against to the conception of bhakti. Therefore, satsanga is the main limb of devotion. We should hear from that independent Mahapurush, the great Mahabhagavat. By hearing Lila Katha from their mouth, by hearing Hari Katha, these three types of knowledge, Tatpatat Gyan, Tvampatat Gyan, and the relationship between them is achieved automatically. There is no need for any separate endeavor to achieve these types of knowledge except from hearing Hari Katha from the mouth of Vaishnavas. Therefore, Sri Rupa Goswami discusses, even though Gyan and Vairagya are not really parts, limbs of devotion, still in the beginning stages, they can be a little favorable. They can be accepted to a partial degree
in order to enter into bhakti. But once one has entered into bhakti, then jnana and vairagya become completely unnecessary because they manifest automatically as servants of Bhakti Devi. Therefore, jnana, knowledge and renunciation make the heart very hard and Bhakti Devi is very soft. Therefore, Brahmaji has prayed in his prayers, jnana prayasam udapasyana manta eva jivanti satmakaratam baladiya vatam stane stita shritikatam tanubhatmano bir aprayaso ajita jito stipistas trilokya. Therefore, Brahmaji has said, there is no need to endeavor for knowledge or renunciation. Hey Bhagawan, your devotees who hear from those who hear from your devotees, they never try independently for the attainment of knowledge. Instead, by performing seva to the kirtan of your name, form, qualities and pastimes, even though you are uncontrollable, you become controlled by such a srota, by such a hearer. Therefore, that nirvishesh jnana, which propounds the non-difference between jiva and brahm, is completely contemptible and completely rejectable in all ways. Therefore, devotees make no separate endeavor for all this, Jiva Goswami is saying. By hearing Harikatha, we achieve renunciation and knowledge automatically. Atayev, agya vyakti hi ज्ञान को भक्ति का सार्थक करते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं करते। अरे ज्ञान की तो बात क्या है, ज्ञान के द्वारा जो साध्य वस्तु है मुक्ति, उसकी अपेक्षा ही भक्ति का उत्कृष्ट प्रतिपादन हुआ है। राजन पतिर गुरु अलंग अवतांग यदूना इत्यादि में मुक्ति ददाति कर ही चितस्मान भक्ति योग है। परीक्षित, भगवान मुकुंद स्वयं पांडवों और जदवंशों के स्वामी, गुरु, इष्ट देव, सुहि, कुलपति और बालक थे। वे कभी कभी उनके आज्ञाकारी दास भी हो जाते थे, परंतु भगवान ऐसे जनहितकारी होते हुए भी भजन करने वालों को मुक्ति दे देते हैं, किंतु प्रेम भक्ति को छिपा करके रखते हैं, नहीं देते हैं। मुक्ति साज है, प्रेमा भक्ति बहुत ही गंभीर है। इस श्लोक की सारा दर्शनी टीका में श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है कि भागवत के श्रवण करते समय महाराज परीक्षित ने सोचा कि हमारे पूर्व वंश में भगवान का कोई अवतार नहीं है। मन ही मन में खेद करने लगे। उस समय सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी उनके भाव को समझ करके मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का उत्कर्ष प्रतिपादन करके बोले, क्या सुखदेव, जिस कुल में भगवान का अवतार होता है उस कुल की अपेक्षा जिस कुल में भक्ति का या भक्त का अवतार होता है वो कुल श्रेष्ठ है। भगवान के अवतार जिस कुल में होता है उससे श्रेष्ठ है जहां पर कि भक्तों का अवतार होता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा वशीभूत होता है। ऐसे किसी के कुल में जन्म निश्चय नहीं होता है, इसलिए पूर्व वर्ष में भगवान का कोई अवतार नहीं है यह बात ठीक है, किंतु उसमें भक्त का अवतार हुआ। पांडव लोग उसमें जन्म लिए हैं जिनके यहाँ भगवान जाते हैं और उनके आदेश को पालन करते हैं, उनके घोड़ों को धोते हैं, पानी पिलाते हैं, रथ हाँकते हैं और सब प्रकार की सेवाएं करते हैं। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा सौभाग्य है ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। यहाँ तक कि दूत का कार्य करते हुए उनके दास भी हुए हैं। भक्ति व्यतीत किसी उपाय से भगवान को वशीभूत नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। क्यों? भगवान उपासकों को भले ही मुक्ति दे दिया करते हैं, उनका नाम मुकुंद है, किंतु प्रेम भक्ति को जरा छिपा करके
किसी किसी का कहना है भक्ति देने से भक्ति के वशीभूत हो जाएंगे भक्तों के, इसलिए उनको कष्ट होगा, किंतु बात गलत है। भक्ति क्या है? आनंदमयी भक्ति है कृष्ण की, लादनी शक्ति, ये भक्ति है। इसलिए भगवान को उसमें आनंद ही होता है, भक्त के वशीभूत होने में उनको कोई कष्ट नहीं होता। यहाँ पर इस श्लोक में मुक्ति तदात कर ही चित, कभी माने क्या, भगवान सब समय सभी भक्तों को प्रेम भक्ति दान नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। जब तक प्रेम भक्ति के प्राप्ति के लिए हृदय में तीव्र आकांक्षा नहीं जग जाती और उसमें कुछ कामना वासना उसके हृदय में रख, तब तक नहीं देते हैं। किंतु भक्त जब योग्य हो जाता है तब उसको देते हैं प्रेम। जैसे उदाहरण देकर के कहा है, स्नेहमयी जननी जिस प्रकार अपने रोगी संतान के लिए रसगुल्ला खीर छिपा करके रखती है उसको नहीं देती, और जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसको देती है, और इसका फिर स्वास्थ्य ठीक होने पर इसको देती है। इसमें दया है क्योंकि वो हजम नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसके अंदर में कामना वासना है, हरिनाम करते हैं हमको रुपया आ जाए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, तो क्या होगा, वो छेद के बहाने भक्ति वहां से निकल जाती है और उसको धन इत्यादि प्रतिष्ठा मिल जाती है। इसलिए खबरदार, हरिनाम करते समय इन चीजों से सब समय दूर रहना, कभी प्रतिष्ठा की, रुपए की और कोई चीज चिंता हृदय में नहीं आने पाए। हाँ, therefore some foolish people think that jnana and vairagya are limbs of devotion, but an intelligent person will never say so. Therefore mukti, brahma, becoming one with krishna, is rejectable always, and srimad bhagavatam has rejected that from the beginning. Therefore Gurudev is speaking very fast, so trying to therefore Sukadeva Goswami said, hey Parikshit ji, Krishna, who is the Surit, the well-wisher, the Palak, the maintainer, the Raksha, the protector, and the master of the Yadu and the Pandav dynasties. What else could remain for you? Therefore Krishna easily gives mukti, but prema bhakti he remains, he keeps covered. Therefore mukti is easily attained, but this prema bhakti is supremely rare and not attained so easily. Therefore Parikshit Maharaj, he said, O Gurudev, it seems that no avatar of Bhagavan has appeared in the Puru dynasty. Therefore Sukadev Goswami, understanding the mind of Parikshit Maharaj, because Parikshit Maharaj is in that dynasty, he said, no problems. Because Bhagavan is not so much concerned with the dynasty, he is rather concerned with the bhakti in the heart of the devotee. Therefore, Parikshit, in the dynasty of Puru, many great devotees have appeared, especially the Pandavas. What to speak of Krishna appearing in a dynasty, Krishna served the Pandavas by massaging his horses, by becoming their messenger, by doing many, many different types of seva. Therefore, Krishna served the Pandavas. Therefore, he showed he is only controlled by pure devotion. Krishna has no concern with this dynasty or that dynasty. Therefore, Mukunda, one name for Krishna is Mukunda because he gives mukti, but bhakti he keeps a little bit covered. Some people think Krishna keeps bhakti covered because if Krishna is controlled by his devotee, then Krishna will suffer pain. But this is a very foolish thing, because bhakti gives extreme happiness to Krishna. And when Krishna is controlled by the pure devotee, he also receives great happiness. Therefore, but Krishna does not give devote prema bhakti until the last.
until he sees that the devotee is not very restless and eager to achieve bhakti, then Krishna will not give it. But it's not that Krishna will never give it. When qualified, then Krishna will also give bhakti. Example is given here by Sri Vishnu Chakravarti Thakur. The mother, she has a diseased son. Therefore, she has many rasgullas, sweet rice, malpuras, burfi. But she is not giving the son because the son is diseased, and if he takes that, then his disease will increase. But it's not that she has no intention to give. When the son is cured of disease, then she will happily give all these things because she is keeping them only for him anyway. Therefore, as long as there is some kamvasana, some material desire in the heart of the sadhak, while chanting Harinam, the sadhak may think of money, may think of women, may think of pratishta, then Krishna does not give prema bhakti because that devotee is unqualified and desires other things. Therefore, be very careful. When we chant Harinam, we should never think of women, money, name or fame. Otherwise, these things will come very easily, but prema bhakti will not come. Therefore, sadhu savadan, be careful. Hare Krishna. Sita Devi from England, she is waiting for the doctor. Srila Akinchan Maharaj is very, very sick. So doctor needs to go and attend him immediately. Prema Mai Didi from England. The doctor can go with her. Doctor, is Dr. Prem Mai here? If she is here, please contact Sita Devi from England. I don't know. Dr. Prem Mai idhar ho. एक बार रूप सनातन मठ में जाकर के हमारे अकिंचन महाराज का बहुत बुखार हुआ है, एक बार देख लीजिए, बहुत तेज बुखार है। इसे कटा सीधा चले जाइए रूप सनातन मठ में, इधर से उत्तम एक जीना है इधर से। ए पागली, व्हाट यू टेलिंग? हरे कृष्णा, जगदीश प्रभु who serve in kitchen and he had dispute with someone, local persons, please contact me. Thank you. Hare Krishna. Jagadish from America. Thank you. Kishi. Gyan Pradhan Shastra mein भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतला रहे हैं, उसके संबंध में बतला रहे हैं। वामन अवतार में सर्वशक्तिमान और सब गुणशाली होते हुए भी भगवान उपेंद्र के रूप में इंद्र के छोटे भैया होकर इंद्र की सब प्रकार से पोषण करते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, किंतु वामन अवतार में इंद्र के छोटे भैया होकर के जन्म दिया और उनको उच्च आसन दिया करते हैं। तो इसमें भगवान की हीनता नहीं है, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। वे कृपा करके ऐसा करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति देवी भी उन्नत होकर के कहीं पर ज्ञान अंग के रूप में दिखाई पड़ती है, ये उनकी कृपालुता है। क्यों? भक्ति नहीं रहने से कर्म योग इत्यादि कोई अपना फल नहीं दे सकता। ग्रंथकार चक्रवर्ती ठाकुर जी अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए
भक्ति की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है, जो लोग भक्ति मिश्र ज्ञान की साधना करते हैं, भक्ति की सहायता के बिना कोई भी साधन फल नहीं देता, भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल इत्यादि शास्त्र वचनों में जो ज्ञान के साधक मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति की साधना करते हैं, वहां ज्ञानांग के रूप में भक्ति देवी रह। यदि भक्ति न रहे तो ज्ञान अपना फल जो मुक्ति है वो नहीं दे सकता है, इसलिए वहां पर भक्ति गौण रूप होने से भी श्रेष्ठ है, इसी को बतला रहे हैं। वहां भक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता किस प्रकार से सिद्ध होगी, यहाँ पर ज्ञान के रूप में है। भागवत में ऐसी भक्ति को सात्विकी कहा गया है, पहले बतलाया। जो जिस भक्ति के द्वारा मुक्ति होती है वह भक्ति सात्विकी है, अतएव वहां भक्ति का निर्गुणत्व किस प्रकार से प्रमाणित होगा, ये चक्रवर्ती ठाकुर जी एक उदाहरण देकर के बतला रहे हैं। आठवें स्कंद में वामन देव की लीला का वर्णन हुआ है। वामन देव परम स्वतंत्र सर्वशक्तिमान और प्राकृत सत्व गुण संपन्न होकर के स्वेच्छा पूर्वक देव राजेंद्र के छोटे भैया हुए और उन्होंने बलि महाराज के निकट उन्हीं के लिए इंद्र के लिए ही बलि महाराज के निकट त्रिपाद भूमि की भिक्षा ग्रहण करने से बहाने अपने दो पग से स्वर्ग और मर्त्य को नाप लिया और महाराज बलि को पताल में भेज करके स्वर्ग इत्यादि का राज्य इंद्र को दे दिया है? उनका पालन पोषण किया। वामन देव उपेंद्र नाम ग्रहण करके उपेंद्र छोटे भाई के छोटे भाई बने और इंद्र को अपने ज्येष्ठ भ्राता की भांति सदैव सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार उनका पालन पोषण करने से क्या विद्वज्जन उपेंद्र भगवान को सचमुच इंद्र की अपेक्षा छोटा समझेंगे? नहीं, ये भगवान की कृपालुता है। इसलिए भगवान वामन देव का उपकर्ष ही सिद्ध होता है, अपकर्ष नहीं, क्योंकि जीव साधक के द्वारा जितना भी महत्व की तरफ में बढ़ता है उतना ही उसके जीवत्व का विकास होता है। उसी प्रकार भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं, उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता का भी विकास, जितने भगवान भक्तों के वशीभूत होते जाएंगे उनकी भगवत्ता का चरम प्रकाश। गोपियों के सबसे अधिक वशीभूत है उनकी भक्ति का अत्यंत पराकाष्ठा है। तात्पर्य यह है कि सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ भगवान ने इंद्र का छोटा भाई बनकर इंद्र की रक्षा की और उसका पालन पोषण किया। विचार पूर्वक देखा जाए तो भगवान की इस लीला में उपेंद्र की इंद्र के प्रति करुणा ही दिखती है। भगवान स्वयं स्वतंत्र सर्वज्ञ सर्वसमर्थ होकर के स्वेच्छा पूर्वक इंद्र के छोटे भाई बने और अपने को उपेंद्र कहलाया और इंद्र की प्रधानता ली, इसमें भगवान का कुछ भी अपकर्ष नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान प्रधान शास्त्रों में जो ज्ञान को भक्ति का साधन बतलाया गया है और भक्ति का अपकर्ष दिखलाया गया है, भक्ति दया करके उन्नत होते हुए भी उसके फल मुक्ति को प्रदान कराती है, इसलिए भक्ति का उपकर्ष अपकर्ष नहीं उत्कर्ष ही साबित होता है। बस therefore in some shastras we see, especially Gyan Shastras, we see the predominance of the concept of liberation and the achievement of Gyan.
In those shastras, it appears that Bhakti Devi is neglected and Mukti is established. Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur gives a very, very refined analysis of this point. He says that Brahman Dev, despite being the independent Supreme Personality of Godhead endowed with unlimited potencies, still he appeared as Upendra, the small brother of Indra. It seemed that he took help from Indra, and he even gave a big seat to Indra. But still, this does not mean that Bhagavan Brahman had any shortage or was lacking anything. We should understand this is the mercy of Brahman Dev giving respect and position to Indra. Therefore, in the same way, we should understand that Bhakti Devi, she is predominant. But still, because of her mercy, she is giving some support to Gyan. Therefore, Bhakti is not attained as a result of Gyan and Karma. She is independent, but Gyan and Karma cannot give any result independent of Bhakti. Therefore, Bhakti Mishra Sadhan, when Bhakti is used as a sadhan, as a practice to achieve liberation, this is Bhakti Devi's mercy. Because without Bhakti Devi, no one can get liberation anyway. Therefore, Bhakti out of her mercy remains as a limb of Gyan. But it doesn't, this is not the case. This is her mercy. Even though she is predominant, out of her independent desire, she can remain secondary to give the fruit of Mukti to the Gyanis. Therefore, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur gives discussion here. Upendra. Upendra means the small Indra or the brother of Indra. Therefore, Bhagawan appeared as the small brother of Indra, and on behalf of Indra, he went to beg 3 steps of land from Bali Maharaj. Bali Maharaj had stolen the whole universe from Indra, including the heavenly planets. Therefore, on behalf of Bali Maharaj, Brahman Dev went there. Therefore, he begged 3 steps of land. With 2 steps of land, he took the whole universe. And he pushed Bali Maharaj down to Patalok. And he returned Swarga and the other planetary systems back to Indra. But we should not think that Bhagavan was really the small brother of Indra. He wasn't begging any chapatis from Indra. We should understand that he is independent and everything is possible for Bhagavan. But out of his mercy to Indra, he accepted a position. Therefore, this is the greatness of Bhagavan. That much Bhagavan is controlled by a devotee, that much he manifests his being Bhagavan. Especially when he is controlled by the gopis, at that time his Bhagavata, his quality of being the Supreme Personality of Godhead, reaches its topmost limit. I thought that was a good point. Therefore, in the same way, Bhakti is not dependent on Gyan. Gyan is dependent on Bhakti. But Bhakti, out of her mercy, accepts a secondary position, even though she is prominent, to mercifully give liberation to the Gyanis. ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तलालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः सर्पेन्नायन गोचरे कृतददाशुदाकुला प्रफुल्लकमलेक्षण प्रणयकाधर श्रीमुखा न गौरचरणं जहासि कदापि लोतो लोकोत्तर स्फुरन्मधुरमाणवं नवनवानुरावोन्मद After my special day, since this time, Diksha Guru, daily published on this.
Father's daughter, Srimad Bhaitaral in the Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, my Srikshu Guruji, the purpose of this, Paramahansa Paribhaja, the title of Nisima, Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, to all the Vaishnavas and Vaishnavis, according to their respective qualifications, the Guru Dev's mercies allowed me to speak a few words on the glory of Mahaprabhu's mercy. Kaivalyam narakayate tritashapurakashapushpayate durdantendriyakalasarpaputali proskatadamstrayate vishvampurnasukhayate vidimahendradishtakitayate yatkaranyakatakshavaibhavatvamtham Tam Goramevastumaha. So this verse written by Srimad Tungavidya Avatar Prabodhananda Saraswati Pad gives some inkling of the glory of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Here, Kaivalyam Narakayate, for someone who has received that mercy, then Kaivalyam, becoming merging with the impersonal Brahma, it appears like Narak, like hell. Because in that state there is no opportunity to serve the Lord. This is shown vividly by Sri Sarvabhauma Bhattacharya when he came before Mahaprabhu and he told this verse, Tate no kamtam susanikshavano bunjani. At the end he said, Mukti Pade is the Vaya Bhakti Pade. He changed it to, he wanted to change it, Bhakti Pade is the Deva. He said, everyone, Bhaktas, they feel this taste, horror, to think of the concept of Mukti. So therefore, it is like hell. Whereas, Kaivalyam at the end of Srimad Bhagavatam is described actually as a prayojana. In the sense of kevala bhakti, exclusive bhakti. Then, tridashapurakashapushpayate. Then the glories of going to the heavenly planets, the Nandan, Kanan, the Apsaras, they appear like some imaginary phantasmagoria, like a flower in the sky. There's no such thing. This is seen of that persons like Vishwamitra Muni, he, just by hearing the ankle bells of Menaka, he fell down and lost his sadhana and had to do sadhana for another 60,000 years. Trini Punya Martya Lokam Vishante, those people who attain even that position and then again they fall down. It is just like a bubble. Like the universe is like bubbles in the Karanarnava, the ocean of the causal ocean. They're coming and going. The lives of Brahma and Indra and so on, they're similarly insignificant. Vishwampur Sakaya Acha. The senses, the worst enemy in this world are these very difficult to control senses. They appear like the snakes who have been to the dentist and had their fangs extracted. They have no more potency to bite than give any poisonous effect. And persons like Haridas Thakur, who chants Krishna Nam, they are able to easily defeat Mahamaya. Therefore, Yamunacharya, he says, Yadavati Mamacheta Krishna Padaravinde Navanavara Sadama Nidhitarantamasi Tadavati Patanari Sangame Svaryamani Bhavati Mukha Vikara Shishtu Nishti Vanamukha. Ever since I've been engaged in the activities of hearing the lotus feet, see,
Radha and Krishna and finding newer and newer pleasure in that remembrance. Whenever somehow I think of the mundane so-called pleasures and material sex life, at once my lips curl up with this state and I spit at the thought. So this is the state of someone who's actually received the glory of Mahaprabhu's mercy, his sidelong glance of mercy. Everything material becomes insignificant. The world appears full of happiness. Vishvam purna sukhayate. Atmani nivedana tuya pade kori hoinu paramasukhe. Chodikana anandade. And for the rest of this is happiness. And then these so-called greatly powerful beings like Indra, Brahma, Rudra, they appear like insignificant insects. Therefore, Sri Prabhupada Sarasvati says that Keshet Sagara Bhudaranna Viparakramanti Nrityanti Vai Keshet Pundara Daiva Purandara Adish Mahakshepam Chepanto Muhu Anandod Pachajala Vipalataya Te Dweta Chandra Gaya Keke Nota Davanti Idrishi Punashchetana Nrityotsade. Someone in the beautiful festival of Chaitanya Mahaprabhu is dancing, then like Advaita Acharya and others, as they dance, they appear to glide over the mountains and oceans, and these demigods appear very insignificant. So in this way, you can have some idea of the glory of Mahaprabhu's mercy. Of course, to get the glory of Mahaprabhu's mercy, I have no adhikar, but Gurudev, who has Chaitanya in his heart, he can give him. Therefore, we pray for his mercy on this day. तो महाप्रभु जी के अवदान काल संबंध में कुछ बोलो। ओम अज्ञान सिविनंद स्मृत्यानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनर्पितचरिचिरादिकरणयावतेन खलु समर्पन्तुन्नत्युज्ज्वलशांशोभक्तिश्रियम् हरिपूरसुन्दरद्युतिकतम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्द्रे स्फुरितव सचिनन्दनन्दनः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव हरे गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम स्मदीय गुरु पाद पद्म विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण स्वरूप अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तत्पश्चात उपस्थित कटंदी पादगण वैष्णव एवं वैष्णवी वृंद सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। महाराज जी मुझे आज्ञा दिए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अवदान और शिक्षा के विषय में कुछ बोलने के लिए। गुरु वैष्णव के चरणों में बैठकर जो कुछ सीखा है यत्किंचित एक दो शब्द बोलकर अपनी वाणी को पवित्र कर गुरु की आज्ञा का पालन करने की चेष्टा करूंगी। हम लोग पूर्व पूर्व वक्ता महोदय से सुने कि महाप्रभु कौन है, किस लिए महाप्रभु इस धराधाम में आए। राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आए माइक लगा कर और
किस लिए आए? राधा या प्रण महिमा के दृश्योवाह अर्थात श्री वृष भानुनंदनी के भावों को स्मरण कर आस्वादन करने के लिए विशेषकर मदनाथ महाभाव में ये विश्वानुनंदनी जिस जातीय का आस्वादन करती थी उस आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही गौर कृष्ण बनकर आए और रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा के कारण उन्होंने उसी राधा जी की भावों की जो शोभा है जो संपत्ति है अर्थात रति उल्लास भावोल्लास रति सहचरी भाव मंजरी भाव इसको वितरण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। महाप्रभु जैसे श्री कृष्ण की गीता है मुख की ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के केवल 8 श्लोक ही हम लोगों को प्राप्त होते हैं। उन 8 श्लोकों में समस्त शास्त्रों का सार भरा हुआ है। जैसे चेतो दर्पण माजनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्री कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम मुनिवर्धनम इत्यादि। अभी सुने कि महाप्रभु कैसे अपने अवदान कैसे शिक्षा दिए। हम लोगों का प्रश्न है कि इस शिक्षा से हम लोग कैसे जीवन को अपने को प्रारंभ करें। प्रारंभ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहे चेतो दर्पण मार्जनम हे जीव हे साधको पहले अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ करो। साधक पूछता है हे प्रभु हे गुरुदेव हे वैष्णव हे साधुजन उस चित्त को कैसे साफ किया जाएगा। बाहर का दर्पण हो तो उसे साबुन से किसी सोडा से साफ किया जा सकता है परंतु हृदय रूपी चित्त कैसे साफ होगा। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामिकारी बहुधा निज सर्व शक्ति अर्थात संतों के संग में रहकर साधु संग में रहकर हरि कथा सुनते सुनते जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जब जीव गुरु पदाश्रय करता है और गुरु पदाश्रय करने के बाद में गुरुदेव जो अप्रकट वृंदावन से उस कृष्ण सेवा भावना की जो सेवा भावना रूपी जो बीज को लेकर आते हैं उसी बीज के रूप में मंत्र के रूप में इसी बीज को साधक के हृदय में बपन कर देते हैं और साधक के हृदय में बीज बपन करने के बाद में श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा उसको सिंचन करते हैं। कैसे नाम करना चाहिए महाराज जी बोले हैं नाम नामिकारी बहुधा अनेक प्रकार के नाम है। प्रमुख 2 प्रकार के गौण और मुख्य नामों में भी जो राधा जी से गोपियों से संबंधित है ब्रज के नाम है वह मुख्य नाम है। इन नामों को जैसे ही हम लोग स्मरण करते हैं जैसे राधा दामोदर कहते ही राधा दामोदर की लीला कैसे हुई वे राधा जी के दाम में कैसे बधे वह लीला स्मरण हो आती है। राधा रमन राधा गोकुलानंद राधा गोपीनाथ राधा गोविंद देव अर्थात इन नामों को स्मरण करते हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी नामों से सर्वोपरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र में समस्त नाम में जितने भी प्रकार के नाम हैं समस्त नाम इसके अंदर हैं। कैसे भगवान की श्याम सुंदर की राधा जी की श्याम सुंदर की लीला 2 प्रकार की है विप्रलंब और मिलन 2 ही प्रकार की लीला है तीसरे प्रकार की नहीं है। इस महामंत्र में दोनों प्रकार का है मंत्र हरे कृष्ण मिलनात्मक जैसे ही साधक हरे कृष्ण कहता है 2 दिन पहले ही महाराज जी से श्री मुख से सुना परम देव मोक्षम न मोक्षम बदीवा न चान्यम बीरण बरेदाशु पीहा उसमें कहते अवधि जो श्रवण कीर्तन है उसकी अवधि जो मोक्ष की जो अवधि है श्रवण कीर्तन उसमें भी
हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण देके बताया। हरिदास ठाकुर जी कैसे 300,000 नाम जप करते थे और उसमें रूप गोस्वामी जी, श्रील सनातन गोस्वामी जी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी भाव बदलाया कि वह कैसा नाम करते थे। हरे कृष्ण कहते ही अपनी स्मृति देह स्मृति हो जाती थी और साथ ही साथ नाम लेने के साथ ही साथ कैसे भाव राज्य में प्रवेश करके देह स्मृति को भूलकर सिद्ध रूप में राधा जी की सेवा में संलग्न रह जाते थे। इसके विषय में यदि हम लोगों को और ज्यादा जानकारी करनी है तो बिलाप पुष्पांजलि पढ़ें। कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के तट पर बैठकर इसी नाम का जाप करते 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 भूल जाते थे अपनी देह को और देह को भूल कर सिद्ध देह में अर्थात मंजर रति मंजरी के रूप में श्री विश्वानंदनी की कैसे मन चाह सेवा करते थे। ऐसे नाम को ये नाम उनकी संख्या पूरी पता नहीं चलती थी कि घंटों उनकी समाधि लगी रहती थी। ऐसे नाम महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा दी है साधक प्रारंभिक दशा में इस नाम को करे और कैसे करे साधु संघ में रहकर निरंतर उसी नाम की चिंतन करता हुआ। अभी अभी हम लोग श्री गुरु जी के मुखारविंद से सुने कि नाम करते समय यदि संसार की कोई भी चिंता आई, कोई भी किसी भी प्रकार की, नाम देव तो कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, वे अपने आप हम लोगों की इच्छा को पूर्ण करके जो देने वाली वस्तु है उससे अंतर ध्यान को वंचित कर देंगे। इसलिए हम लोगों को अपने चित्त के दर्पण को साफ करना है तो गुरु पदाश्रय करके सतत साधु संग में रहकर नाम करें, इससे चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधवाग्नि निर्वापणम। जो हमारे तावा नल है, जो हृदय मित्र ताप से हमारा हृदय जल रहा है, वह हृदय में शांति प्राप्त होगा नाम करने से, साधु संग करने से। धीरे धीरे तावा नल समाप्त होगी। सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं, संसार दावा नल निरोगा त्राणाय करुणा घनाघनत्वं प्राप्त से कल्याण गुणा अवर्णस वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु महाराज जी कैसे हैं? संसार रूपी तावा नल में जले हुए अपने साधक, अपने शिष्य और शिष्या के हृदय में परम करुणा का संचार कर उस तावा नल को जड़ से समाप्त कर प्रेम भक्ति पिलाकर उसे सुखी करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावे भी निर्वापण। धीरे धीरे जैसे जिस प्रकार से साधक अपने भक्ति राज्य में प्रवेश करता जाता है उसका यह दावा नल दूर होता चला जाता है। कैसे कैसे करना चाहिए भजन? तृतीय श्लोक में कहते हैं त्राणादपि सुनी चेन तरुरपि सही सुना अमाने नाम मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हम लोगों को कैसे भजन करना चाहिए इसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कैसे तृण से भी हम लोगों को तुच्छ समझकर। एक बात महाराज जी की स्मरण हो आती है, हम लोग, मैं अपनी बात कर रही हूँ आप लोगों की नहीं, जो हम लोग अपनी अपनी मैं दिखाते हैं ना दीनता, ये सब कपटता है। सचमुच दैन्यता कब हृदय में आएगी, दीनता कब हृदय में आएगी? जब भक्ति देवी हृदय में पदार्पण करती हैं स्वतः ही दीनता हृदय में आ जाती है, स्वतः ही तृणादि तपि सुनी चेन समझने लगता है। प्रात काल की सभा में हम लोग सुने कि महाप्रभु कहते हैं ना प्रेम गंदो गंदो अपि दरार अपि में, कैसे प्रेम की भी गंध नहीं है, ये कौन कहेगा? यदि इस बात को हम लोग कहें तो परम दाम्भिक है, हम लोग ऊपर से कहते हैं, परंतु महाप्रभु इस बात को, क्योंकि महाप्रभु इस भाव को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे तो भक्ति के दाता हैं, प्रदाता हैं, उनके लिए ये बात सार्थक है। अर्थात जैसे जैसे भक्ति हृदय में आती है वैसे ही वैसे यह श्लोक में साधक प्रतिष्ठित होने लगता है। तृणादपि सुनी चेन तरुरपि सही सुना, सहन शक्ति आ जाती है उसमें, अमानी नाम हमेशा ही दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान की इच्छा न करके नाम कीर्तन में लगा रहता है। कब होता है ये? जब कम से कम साधक रुचि स्थिति पे आ जाता है तब इसकी कुछ कुछ झलक, इस श्लोक की कुछ कुछ झलक साधक के हृदय में प्रतिबिंबित होने लगती है। जब हम लोग प्राण अपि सुनी चेन तरुरपि सही सुना अमानी नाम मान देने कीर्तनिया सदा हरि, इस श्लोक में प्रतिष्ठित होकर भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब क्या होता है? श्री कैरव चंद्रिका, जैसे रात्रि में
चंद्रमा के निकलने पर कुमुदनी खिल जाती है और सूर्य के निकलने पर कमल अपने आप खिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हृदय में नाम रूपी सूर्य हृदय में उदित होने लगते हैं, तब हृदय की अंधकारता अज्ञानता दूर होकर हृदय खिलने लगता है। भक्ति रूपी जो गुरुजी बीज दिए हैं वह प्रस्फुटित होकर खिलने लगता है, उसमें से सुगंध आने लगती है। किस प्रकार की सुगंध? भगवत अनुभूति की कुछ कुछ भगवत पहले तो भगवत अनुभूति तो पीछे होगी, उस समय अपने गुरु की अपने वैष्णवों की कृपा की उपलब्धि होने लगती है। हम लोग गुरु कृपा की उपलब्धि नहीं करते, वैष्णवों की कृपा की उपलब्धि नहीं करते और कहते हैं हमको कृपा करिएगा कृपा करिएगा। अगर सचमुच हृदय से स्मरण करें कि कहां हम लोग कीड़े थे, नरक के कीड़े थे, संसार में डूबे हुए थे, वहां से बाल पकड़कर खींचकर न चाहते हुए भी लाए हैं गुरु वैष्णव और हम लोगों को भक्ति रस पिलाकर दिखला रहे हैं कि देखो यह कितना सुखमय जीवन है। ये जब हम लोग उपलब्धि करते हैं, इसकी अनुभूति थोड़ी थोड़ी इसी करने लगते हैं, जब श्री कैरव चंद्रिका वितराम हृदय रूपी कमल खिलने लगता है, उसमें भक्ति की गमक आने लगती है। जैसे गुरुमा जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे छोटी सी कली है फूल की, वह कब खिलती है? जब सूर्य उदित होता है तो वो धीरे 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 खिलने लगती है। जब वो खिलती है तभी उसमें सुगंधित सुगंध आती है। ठीक उसी प्रकार से हृदय रूपी जो हमारी कली है वो है नाम रूपी सूर्य के उदय होने पर धीरे धीरे खिलने लगती है और वह गमकने लगती है। देखो गुरु महाराज जी का उदाहरण देखो कैसे गमकी की उस कमल के सुगंध से कितने भ्रमर रूपी भौरा रूपी हम लोग मंडरा रहे हैं उस सुगंध के आस्वादन करने के लिए। यह है श्री कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम अर्थात भक्ति देवी रूपी विद्या उसके जीवन हो जाती है, उसके बिना वह रह नहीं सकता। वह कुछ भी हो लेकिन भक्ति को छोड़कर वह जीवन यापन करना उसके लिए कठिन हो जाता है। उस समय स्मरण करता है ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम जगदीश्वर वा, उस समय कहता है हे प्रभु ना नाक पृष्ठम ना चपारमिष्टम ना सार्वभौमम ना रसाधिपत्यम, अर्थात मुझे कुछ की भी आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु हे दीन बंधु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो क्या दीजिए हमको वही दीजिए कि आपके बेह में तड़प तड़प कर हम लोग भजन करें। तड़फन आए कैसे, उत्कंठा आए कैसे, हम ठाकुर जी के वैष्णवों के भावों में विभावित होकर कैसे भजन करें। ये भजन की उत्कंठा हृदय में जगने लगती है, तब उनको यथार्थ में समझ में आता है कि ये यदि धन जन परिवार मिला भजन करते में तो समझ लेना ठाकुर जी ने हमको अपने मूल धन से वंचित करके एक जड़ीय चीज देकर वंचित कर दिया है। परंतु सावधान श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में आकर संतों के संग में रहकर यह कम होता है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है स्वभावतः ही युक्त वैराग्य आने लगता है। जैसा कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र में देखते हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी अद्वैताचार्य जी के घर पर पहुंचते हैं। जब महाप्रभु संन्यास लेकर पहुंचते हैं पहली बार, तब महाप्रभु 10 दिन रहते हैं, दास गोस्वामी जी वहां 10 दिन रहते हैं। 10 दिन के बाद में महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी माँ के आदेश से जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं। उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा जय जय प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब बहुत सुंदर निर्देश और आदेश दिए हैं महाप्रभु ने, वह हमारे लिए पालनीय है, बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन में। क्या उपदेश दिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को? स्थिर हो या घर जावो ना वो बातुल क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल अंतर करो निष्ठा बाजी लोक वैवार अच्छी राते कृष्ण तुम्हार करवेन उद्धार। हे रघुनाथ तुम पागल मत बनो, मानो रघुनाथ दास
गोस्वामी जी को नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ब्याज से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग साधु संघ में शुरू शुरू में आ जाते हैं, पहला पागलपन चढ़ता है, घर छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, और घर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा भी किसी ने अपमान कर दिया या कोई सेवा छोटी सेवा बतला दी तो कहते हाँ हम इतने बड़े घराने के बच्चे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा हम लोग करेंगे, बस यहाँ से मन खराब होने लगता है और भाग कर फिर हम लोग संसार में चले जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसा मौका स्थिर भैया घर जाओ ना होगा तो उनका मैं कर्म पाए लोग बहुत सिंधु कुल महाराज जी हमको कह दिया रोकने के लिए, बस इसको पूरा करके समाप्त करते हो। अर्थात हम लोगों को स्थिर रहकर भजन करना चाहिए, यही महाप्रभु की शिक्षा है। दूसरे बार महाप्रभु फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा है। यदि इस शिक्षा में हम लोग प्रतिष्ठित हो गए तो भजन बन जाएगा, फिर भजन हमसे दूर नहीं है। क्या शिक्षा दी, भालो ना खाइए भालो ना पहिरवे, अमानी मानस पहली लाइन रह गई ना, ग्राम कथा कहीवे ना सुनीवे। अर्थात हे रघुनाथ तुम मुझसे पूछना, रघुनाथ दास गोस्वामी जी हाथ जोड़कर पूछते हैं जय जय प्रभु आपने मेरा घर क्यों छुड़ा दिया, क्या करना चाहिए मुझे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहते हैं हे रघुनाथ सबसे पहले यदि भजन करना चाहते हो तो क्या करो, ग्राम कथा ना कहीवे। इसी बात को रूप गोस्वामी जी उपदेश अमृत में कहते हैं निंदा आदि सुंदयम संग लब्धा, किसका संग प्राप्त करो, जो किसी का दोष नहीं देखता है वही बुराई करेगा दूसरों की भलाई करेगा, क्योंकि वही करेगा जिसके पास साधन भजन में कमी है, साधन भजन अच्छे से नहीं करता। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे अपनी भगवान के भजन में साधन में सेवा में अपनी एनर्जी नहीं देता है उसी को ये दोष और सब दिखाई देते हैं। रघुनाथ तुम सावधानी से कभी भी जीवन में ग्राम कथा नहीं करना, क्यों, ग्राम कथा जिसकी भी हम लोग क्रिटिसाइज बुराई करते हैं क्या होता है, बुराई करने वाला पवित्र हो जाता है और करने वाले के सारे वैसे ही वो बेचारा मलिन होता है और उसको साफ करके अपनी और मलिनता को बढ़ा लेता है। अर्थात ना सुनना और ना कहना, भालो ना खाए वे भालो ना पहिर वे, भालो माने अच्छे अच्छे जो मन में आ रहा है जीवा को देते चले जाओ, क्या होगी जीवा अजितेंद्रिय हो जाएगी, भजन में नहीं लग पाएगी और भजन से निकले और बस रसातल में भक्ति से च्युत कर देगी। और क्या करना है, सदा कृष्ण नाम लेवे, और हे रघुनाथ इससे ज्यादा पूछना है तो स्वरूप से पूछ लेना, ऐसा करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं। मानो रघुनाथ जी को नहीं महाप्रभु हम लोगों को यही शिक्षा दी है कैसे हम लोगों को भजन करना चाहिए, संबंध युक्त अनर्थ रहित भजन करने से अति शीघ्र ही हृदय पवित्र होता है, उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है। इसी शब्दों के साथ अपनी वक्तृता को समाप्त करते हैं। Hare Krishna, there is an announcement. The tent wala is saying that the devotees have taken chairs and the sheets and the mattresses into their rooms, into their private rooms here. So since tomorrow we are leaving and everything has to be shifted to Govardhan in time, please take all the chairs and mattresses, sheets, whatever is there in the rooms and put it here outside. Thank you. Hare Krishna. Just about 2 weeks before Kartik, Srila Gurudev called several devotees in his room and he said, I want 20 new books to be printed just now, within 15 days. Can you do that? He asked us. Yes, Gurudev. So the devotees were very enthusiastic. A team of devotees headed by our very well-known Srimati Shamarani Didi. She rushed off to the printer.
in Delhi with her team, and Vishwambar Prabhu from USA will especially come over for 3 months at least to help with book publishing in India. So we have already seen a few, I think about a week ago, how many titles? 6 or 7? In Hindi? 5 titles. So we have a little competition. Yesterday we saw the magazine coming out, and today we have 7 titles in English. So we have 3 titles ahead of the Hindi publication. Okay, they came first, but they are defeated so far. Okay. These books are available at the book table in the back. Beautiful books, Sri Mana Shiksha, Nectar of Govinda Lila, Bhakti Rasayan, Sri Prabandha, Going Beyond Vaikuntha, Bhakti Tattva Vivek. All very wonderful books, full of nectar. Please get them as soon as you can. Hare Krishna. কাল আমরা এখান থেকে গোবর্ধন যাত্রা করব। সকালে পাঠের পর আপনারা নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে হাজির হবেন, বাস এখানে ব্যবস্থা থাকবে। বাসে হয়ে আমরা প্রথমে গৌলাবন যাব, গৌলাবন থেকে পেঠা চন্দ্রসবর হয়ে আমরা গোবর্ধন গিরিধারী মঠে অবতীর্ণ হব। কাল হামলো আম সবসে অনুরোধ করতা হুম, সুবে প্রবচন কে তুরন্ত বাদ আপ লোক যাহা জো ভি ঠহরে হুয়ে হ্যায় कृपया आपने जिस तरह सब सामान लेकर के आ जाए, और पास आप लोग की प्रतीक्षा करेगी, तो पास में चढ़ करके हम गोवर्धन जाएंगे। पहले बहुलावन, उसके बाद पैठा, उसके बाद चंद्र सरोवर, फिर श्रीधारी गौड़ी अमर। टुमोरो जस्ट इमीडिएट आफ्टर क्लास यू हैव टू ब्रिंग योर लगेजेस एंड पास विल बी वेट फॉर यू ऑल। बाय पास विल गो फर्स्ट टू बहुलावन, देन टू पैठा, देन चंद्र सरोवर। And we will serve breakfast prasad either Bahulavan or Paitha in here. So, don't delay please. Keep your luggage ready as soon as class will finish. Go and get luggages here. Due to India municipal election, some program has been changed. The revised program will be published and available in Gridhari Gaudiya Math Govardhan. ভারতের মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের জন্য আমাদের প্রোগ্রামটি চেঞ্জ করা হয়েছে। এই প্রোগ্রাম আমরা এখনই জানিয়ে দিচ্ছি এবং গোবর্ধনে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা দেখতে পাবেন। অন্নকূট 22 তারিখ, 23 তারিখের পরিবর্তে অন্নকূট হবে 22 তারিখ। 23 তারিখে যে প্রোগ্রাম ছিল, 24 তারিখের প্রোগ্রাম হবে 23 তারিখে, এবং 24 তারিখ আমরা কামবন যাব। আর 24 তারিখে প্রোগ্রাম ছিল, 22 তারিখে যে প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রাম হবে 28 তারিখে। কুছ প্রোগ্রাম মে পরিবর্তন হুয়া হ্যায়, ভারত মে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন কে কারণ যে প্রোগ্রাম মে পরিবর্তন হুয়া হ্যায়, ये गोवर्धन मठ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, जो 23 तारीख का प्रोग्राम था वो 22 तारीख को होगा अन्नकूट, और 24 तारीख का प्रोग्राम था वो 23 तारीख को होगा और राधाकुंड परिक्रमा, और 22 तारीख का प्रोग्राम था वो 28 को होगा। ड्यू टू इंडियन म्यूनिसिपल इलेक्शन द प्रोग्राम हैज बीन सम रिवाइज्ड बिकॉज बस नॉट अवेलेबल। So tomorrow we are going to Govardhan as scheduled. 22nd will be Annakoot Mahotsav, exchange of 23rd. And 22nd program will be 28th. And 24th will go to Kambavan. Everything will be published and available in Gridhari Gaudiya Math Govardhan. Hare Krishna. Other devotees who want to leave some luggage here in Vrindavan, as we mentioned this morning, you will be able to get it back at the end of the parikrama. There will be one room available here in Gopinath Bhavan. Also, I am requesting for the western bus numbers
verse number 9 till 16, that the devotees who are going with this bus, two, three or four of you, please help each other to put the luggages on top of the bus, make sure it is properly tied so that nothing is lost on the way. Sometimes that happens, that suitcases or sleeping bags, they drop down. I'm requesting for each bus that two, three, four devotees help who are within the bus to make sure everything is properly done. And when you arrive in Govardhan, make sure you look after your luggage, bring it with you when you leave the bus, not that you leave it behind and then later on you are looking for it. That happens also sometimes. When you arrive in Govardhan, your accommodations will be arranged. Yeah, those of you who still are not sure where to go, you can contact Vrindadevi Dasi at the end of the where the registration booth is tonight after the program. Hare Krishna. কালকে আপনারা সকালে জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসবেন, ক্লাসের পরেই রওনা হওয়া হবে। আপ লোক কাল আপনি সামান লেকেই আয়েঙ্গে, প্রবচন কে বাদ তুরন্ত প্রস্থান করেঙ্গে, কিউকি প্রসাদ গোবর্ধন গৌড়ে পর বহুত সে বাঙাল সে ভক্ত লোক ইধার, অনেক বাঙালি ভক্ত এখানে আসেন নাই, যারা ওখানে দুঃসতর মঠে আসেন বা অন্য জায়গায় যে এখানে উপস্থিত আছেন, তারা আপনাদের আত্মীয়কে বলে দিবেন তারা যেন সকালে জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসে। বহু সে লোক ইধার উপস্থিত নেই হ্যাঁ, ও আপনি মিত্র কো বন্ধু সবকে বতা দে কি সমস্ত সামান লেকে আ যায়, প্রবচনে তুরন্ত বাদ হম প্রস্থান করেঙ্গে। অল ইউ কাম উইথ ইয়র লগেজেস ইয়ার মর্নিং, অ্যাজ সুন অ্যাজ ক্লাস উইল কমপ্লিট উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার, বিকজ এক্সচেঞ্জ অফ ফ্রেঞ্চ প্রসাদ হিয়ার, লাঞ্চ উইল বি সার্ভিং উইথ হরে গৌড়িয়া মঠ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
Thank you.